कि सीबीआई रेड का मसला है और इस पूरे प्रकरण को अब देश को समझना चाहिए। एक छोटे से उदाहरण के साथ दो तस्वीरें मैं आपके सामने रखूंगा और पूरे देश के सामने वो दो तस्वीरें हैं, प्लीज प्ले करिए। दिल्ली में छापा लगता है और उत्तराखंड में क्यों नहीं और कब, ये बात जानते हैं क्यों? प्रदीप जी, जिस शख्स को आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर में, इन जनाब का मैं परिचय आपको दे देता हूं। ये जनाब इतने काबिल व्यक्ति हैं कि ये आपकी पार्टी के नेता रहे और तमाम बड़े बड़े पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, मेयर से लेकर मंत्रियों तक के साथ इसकी तस्वीरें हैं। ये हैं हाकम सिंह और ये हाकम सिंह का परिचय ये है कि यूके एसएससी पेपर लीक हुआ और लाखों का वारे न्यारे हो गए जनाब के, और ये जिला पंचायत सदस्य है, आपकी पार्टी के नेता हैं। 20 की गिरफ्तारी हुई, कोई बड़ा मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया। यहाँ सीबीआई जांच की जरूरत है कि नहीं है? तो पहले ये बता दीजिए, आप अगर इतनी आपने खबर अगर बताइए तो आगे बताइए ना, कहाँ पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, या यूके चले गए, विदेश चले गए, थोड़ा ये भी बताइए ना। कमल जी, आपके मुंह से मैं यही सुनना चाहूंगा, मैं तस्वीरें किसी के साथ भी हो सकती है, मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं भी आपके साथ तस्वीर खिंचवा सकता हूँ, आप मेरे साथ खिंचवा सकते हैं, आपके तमाम मंत्रियों के साथ इसकी तस्वीरें हैं, बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल, आप जानते हैं 2019 में भी एक पकड़ा गया था लेकिन इसका नाम FIR से हट गया, उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीबीआई जांच ऐसे मामलों में क्यों नहीं होती है, सिफारिश नहीं करनी चाहिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच की? बिल्कुल, क्या दिक्कत है? मैं चाहता हूं आज जो विषय पर डिबेट है हो, और सामने के लिए सामना करने के लिए छाती निकाल के बैठा हूं जवाब देने के लिए, और जो मेरे साथ बैठे और वो भी आज पे बात करें, और देखना आज की जो कहां कहां भागेंगे तितर बितर उदाहरण देने के लिए। पहली चीज आपने अपनी बात रखी, लेकिन मेरा सवाल यह है आपसे कि एक और महत्वपूर्ण बात, चलिए ठीक है आप लोगों के द्वार पर सीबीआई नहीं जाती, ईडी नहीं जाती, लेकिन ये गुजरात में जहरीली शराब पीने से लाशें बिछ गई, लाशें कितने 43 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उनके खिलाफ सीबीआई की जांच नहीं हुई, वो कौन थे? नकली शराब, नो सीबीआई। गुजरात में नकली शराब, नो सीबीआई। गुजरात में ही ड्रग्स की तस्करी, खरबों अरबों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही है, नो सीबीआई। यूके एसएससी जिसका जिक्र मैंने किया, 20 गिरफ्तार हुए, आप ही के नेता हाकम सिंह मास्टरमाइंड, बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें, नो सीबीआई जांच की सिफारिश। हाँ, बिल्कुल 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 सही है कहा आपने। अगर जो आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं पकड़ी जाती तो आपको हमें कैसे पता होती? वाह, और अगर उसकी एक मिनट, पहली चीज आप जो जांच की बात कर रहे हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जांच उसकी हो रही है नहीं हो रही है? क्या बिना जांच के पकड़ा गया? अच्छा, हंसी से कुछ नहीं होगा? मैं हंसी, हाँ, जो नकली हंसी हंस रहे हैं तो ये भी आपको बैठ के बताना पड़ेगा। जो एक आरोप है, क्योंकि सीबीआई जांच का जिक्र किया जा रहा था, ये 42,000 करोड़ का घोटाला DHFL ने किया, घोटाला, और इसमें 29 करोड़ का चंदा आपको दिया, बीजेपी को दिया, ये आरोप लगते हैं, तो इनकी भी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाते सर आप? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जो चीजें आप बता रहे हो, सीबीआई जो जो घोटाले की आप बात कर रहे हो, जो बैंक घोटाले चल रहे हैं, उन सब पे इंक्वायरी चल रही है। कि आपको नहीं पता भूषण स्टील जीरो हो गई, जीरो हो गई इनकी सीबीआई जांच? ये दो तस्वीरें आपने कहा कि दो अलग अलग बारों में एक ही आर्टिकल, कैसे? आपने कहा कि अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स और दुबई का खलीजा टाइम्स, दोनों अखबारों में मनीष सिसोदिया की एक ही तस्वीर और लेख लिखने वाला व्यक्ति भी एक, करणदीप सिंह, राइट? ठीक, यही बात कही थी ना प्रदीप जी आपने? आप सर, आप लोग तो बड़े विद्वान लोग हैं, प्रधानमंत्री जी के भी बड़े बड़े आर्टिकल्स, बड़े बड़ी फोटोज छपती हैं, है ना? तो वो क्या पेड न्यूज होता है? वैसे पेड होता है क्या? चलिए मैं थोड़ा सा जी, और आपने बिल्कुल शिक्षा नीति अच्छी करी, आपने स्कूल अच्छे बनाए, मैं उसके लिए अप्रिशिएट आपको और धन्यवाद करता हूँ आपको। मगर जब दूसरी पेज पलटा जाता है और जब देखा जाता है कि आप बच्चे 15% सरकारी स्कूल से बच्चे क्यों कम हो गए? सुनिए, जैसे हम लोग चैनल चलाते हैं, न्यूज चैनल चलाते हैं, दूरदर्शन की कोई खबर है, ANI की कोई खबर है, या किसी और की चैनल की खबर है, हम चलाते हैं सौजन्य, चलाते हैं सर, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को भी दूसरी अखबार ने सौजन्य करके चलाया, सौजन्य न्यूयॉर्क टाइम्स,
तो ये कंफ्यूजन किस बात की? तिलक जी मैं तो देखिए किस नेता ने जी, तिलक जी मेरे किस नेता ने क्या बोला है, मैं वहां नहीं जाना चाहता। मैं भी अपनी पार्टी का नेता हूं और मतलब अपनी पार्टी के लिए हवा में ही बात कर लेते हैं क्या? अपना धर्म और अपना तन मन दिया है। आप दूसरी चीज ये बता दीजिए कि भैया 22,000 शिक्षक जो अभी तक जो है डेली बेसिस पे है, आप किस इतने वर्ष 7-8 साल आपकी सरकार को होने जा रहे, आपने उन्हें क्यों नहीं पक्का किया? आपने शिक्षक क्यों नहीं पूरे करे? आप उसके बारे में बता दीजिए ना। 700 स्कूलों में क्यों नहीं है प्रिंसिपल, बता दीजिए ना। सारे घोटाले जो है विपक्ष के नेता ही करते हैं। कितने बीजेपी नेताओं के द्वार पर सीबीआई पहुंची जरा बता दीजिए। जो इस भविष्य की बात जो आज चल रही है उस पे कोई नहीं करेगा। आज जो हम जिस विषय को लेकर बैठे उस पे कोई नहीं करेगा। आप में अगर आप में इतनी हिम्मत है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते हमारे खिलाफ? अरे हम में हिम्मत है तो आप लोगों के खिलाफ कराया हमने जांच और आप पकड़े गए। और बताइए आप पे हिम्मत है, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हमारे खिलाफ? लीजिए ना, नाराज तो नहीं होंगे, एक तस्वीर दिखाऊं, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। वैसे इस खबर से कोई लेना देना नहीं है उसका। आप नाराज मत होइएगा उस तस्वीर को देखकर। नहीं नहीं नहीं, मैं नाराज। हाँ, दिखाऊं, बड़ी अच्छी तस्वीर है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, तो मुझे किसी ने भेजा, कहा कि ये तस्वीर जरूर चलाइएगा। इस खबर से कोई लेना देना नहीं है उस तस्वीर का। प्लीज प्ले करिए, ये तस्वीर देखिए, आपने पुरानी है, मुझे दिख नहीं पा रही। हाँ हाँ बताइए। हाँ देखिए सर, ये तस्वीर पुरानी है, देश के प्रधानमंत्री जी का प्राकृतिक प्रेम है, दो तोते उनके हाथ पर हैं और उनको वो निहार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब इस खबर से इसका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल। तस्वीर तस्वीर अच्छी लगी तो मैंने दिखा दी, अच्छी है तस्वीर, है ना? हाँ प्रदीप जी, हाँ बिल्कुल अच्छी है, हाँ बिल्कुल अच्छी है, पुरानी तस्वीर है प्रदीप जी, बिल्कुल अच्छी है।